एग्जाम्पल कितनी कंपेटिटिव रही है लीग, कल आपने देखा इतना अच्छा मैच हुआ लास्ट बॉल तक मैच गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लीग स्टेज में टॉप टू टीम्स थी वही फाइनल में दोनों टीम्स खेल रही हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला कल होगा। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मेरे साथ केदार जाधव कप्तान सदर्न सुपरस्टार्स, वेद जी हमारे चेयरमैन ऑफ द लीग, इरफान पठान सबको पता है कि कितनी शिद्दत के साथ में उन्होंने कल परफॉर्मेंस की थी स्टार से कल ये। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी जो थैंक्स है वो विवेक जी सबके बताएंगे उनके बारे में। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और थैंक यू, आप लोग इतने लार्ज नंबर्स में आए हैं। मैं मनोज सिन्हा जी जो यहाँ के जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी ही ब्लेसिंग्स के साथ हम जम्मू और श्रीनगर पहुँचे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को। तो जब पिछले साल हम जम्मू में थे मनोज सिन्हा जी ग्राउंड पे आए थे और उन्होंने टूर्नामेंट को ब्लेस किया था, और इस साल भी हम आशा करते हैं कि वो कल ग्राउंड पे आएंगे और हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और दोनों टीम्स को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मनोज सिन्हा जी फॉर अस बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच टू इरफान एंड केदार एंड ऑल द कैप्टन्स एंड ऑल द टीम्स, इनकी वजह से हम यहाँ हैं। सक्सेसफुल हमारा टूर्नामेंट बहुत रहा है, हम कल हमारा सातवां मैच है एंड हम ये भी चाहेंगे कि जो फैंस हैं वो लार्ज नंबर्स में ग्राउंड पे आए और कल मैच का मज़ा लें। इसी के साथ आई'd लाइक टू हैंड ओवर टू इरफान। इरफान बेस्ट विशेस फॉर टुमारो, केदार बेस्ट विशेस फॉर टुमारो, मे द बेस्ट टीम विन। देखिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लेजेंड लीग्स के ओनर जो है विवेक गोस्वामी जी, रमन रहेजा जी को इतनी कामयाब लीग बनाने के लिए और सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि आप जब रिटायरमेंट लेते हैं तो आप खेलना मिस करते हैं, ग्राउंड में रहना मिस करते हैं। हमारी जो मसरूफियत रहती है क्रिकेट खेलने के बाद वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम इतने मशरूफ नहीं रहते थे जितना रिटायरमेंट के बाद रहते, तो काम की माशाल्लाह क्रिकेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स को कमी नहीं है, लेकिन जो खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, रमन जी और जो पूरे ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे, और हमारे जो पुराने साथी हैं केदार जाधव है, हमारे पुराने क्रिकेटर हैं, उनके साथ खेलने में, उनके साथ कम्पीट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली मेरे भाई के साथ लास्ट 3 साल से खेलने की, तो वो बड़ा मज़ा आता है जो आई पी एल में मिस किया था मैंने। अब आपके सवाल पे आते हैं, मैंने 2 साल यहाँ पे बड़ा काम किया था और बहुत प्यार भी मिला, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब आता हूँ तो मुझे अपना सा लगता है। कश्मीर में जब भी आता हूँ इन वादियों में बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। मैं कुछ नहीं भी करूँ सिर्फ बैठे रहूँ पहाड़ों के पास तो एक अलग सा सुकून है यहाँ पे। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल कैसा रहा, हमेशा अच्छा रहता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, खेलने को बड़ा मज़ा आता है, वेदर कमाल का रहता है। जब ऐसा वेदर हो उसमें आपको क्रिकेट खेलना है, पूरी जान लगानी है, तो आप 100% नहीं 110% लगाते हो, क्योंकि आप पहाड़ों में खेल रहे हो, आपको पसीना कम आता है, तो उस लिहाज से बहुत बढ़िया है। साथ ही में जो बड़े क्रिकेटर्स को देख रहे हैं यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं मैच देखने। मैच के बाद हम उनसे मिलते हैं, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ वो सब बातें होती है, थोड़ी गुफ्तगू होती है। तो वो यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी से मिलते हैं, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी से मिलते हैं, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी से मिलते हैं। अब तो इतने जो बड़े बड़े खिलाड़ियों से जब ये यंग बच्चे मिलते हैं तो उनके दिमाग में भी एक छवि रह जाती है कि हमें भी ना इनकी तरह बनना है, तो वो एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो उसका भी एक जो लेजेंड लीग यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी है, छुपा हुआ मकसद है कि भाई यहाँ पे आए और बच्चों को इंस्पायर करें स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बख्शी स्टेडियम जो मैदान है, जाहिर सी बात है वो फुटबॉल स्टेडियम ज़्यादा है, वहाँ पर क्रिकेट कम होता है, तो पिच जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन जैसे जैसे खेलती जाएगी ये पिच ये बेहतर होती जाएगी। शेर कश्मीर का आपने नाम लिया, वहाँ पे हमने बहुत वक्त बिताया है, वहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला है, टैलेंट हंट भी किया है हमने, बहुत खिलाड़ी भी देखने को मिले हैं। उम्मीद यही रहेगी कि हमारे यहाँ पे आने से बाकी अगर कोई लड़की इंस्पायर हो जाते हैं तो उससे बेहतर कश्मीर के लिए जाए।
देखिए मैं निकालने वाला कोई नहीं होता, वो खुदा की तरफ से होता है, इंसान के बस की बात नहीं है, हमारा काम है मेहनत करना। लेकिन आप लोगों को याद होगा जितने प्रेस वाले हैं, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता भी था, आपको याद है कि मैं बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मैं काम में ज्यादा बिलीव करता था। एक बात मैं बार बार बोलता था कि मैं 2018 में जब यहाँ पे आया था, हमने ये बात कही थी कि हम एक बीज बो रहे हैं यहाँ पे, हम वो बीज बो रहे हैं मेहनत का, और जब वो पेड़ उगेगा उसमें जब फल लगेंगे वो फल सालों साल लोग खाएंगे। ये बात मैं कहता था और रब की मेहरबानी है कि वो बात सही हुई है, क्योंकि जब मैं आया तब से लेके अभी तक 4 से 5 लड़के आईपीएल लगातार खेल रहे, ट्रायल्स में लोग आईपीएल में लगातार जा रहे, तो वो जो मेहनत का फल है वो सबको मिल रहा है। और सिर्फ मेहनत मेरी अकेले की नहीं थी और मेरा अकेले का काम है भी नहीं, सब जो हमारे साथी थे, तब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पे, जो हमारे साथ कोच थे, हमारे साथ जो सपोर्ट स्टाफ था, हमारे साथ जो लड़के थे, उन सब की मेहनत थी। और बच्चे, यहाँ के जो बच्चे, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आपने अगर उन्हें प्लेटफॉर्म दे दिया, मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लड़के आपको कहीं भी मिलेंगे। तो बस वो सारी चीजें एक साथ हुई है और लकीली सिर्फ यही चीज है कि आप सही से मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आज तक मिल रहा है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो दूसरे कप्तान है ना, जो हमसे पहले फाइनल में आ चुके, उनसे भी आप सवाल पूछिए, दोबारा फिर मेरे पास आ जाइए। देखिए मैं दुनिया के सारे क्रिकेटर को एक बात ये गुजारिश जरूर करूंगा, यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे आएंगे तब आपको यहाँ की मेहमान नवाजी का पता चलेगा। मैंने तो वो मेहमान नवाजी को बहुत करीब से देखा है, वाजवान मैंने इतने खाए, शायद आप लोग भी नहीं खाते होंगे, इतने मैंने वाजवान खाए, इतना मुझे प्यार मिला है। और मैं कभी भी यहाँ से गया हूँ, मैं खाली हाथ नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, मुझे इतना प्यार मिला। तो आप जो भी यहाँ पे आएंगे, क्रिस गेल को आपने बात की, उन्हें इतना प्यार मिला, वो बाकी सब क्रिकेटर है सबको इतना प्यार मिला, तो सबसे यही गुजारिश है, कश्मीर आओ, आपको असली जो मेहमान नवाजी उसका पता चलेगा। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विवेक जी का और रमन जी का, कि जैसे इरफान ने भी बताया कि जिस लेवल का ये प्लेटफॉर्म है, स्पेशली हर क्रिकेटर जो रिटायर होता है उसके बाद उसमें वो क्रिकेट खेलने का जो एक थोड़ी बहुत भूख हमेशा रहती है, तो वो जो भूख है बची हुई आपके, मतलब जब तक बॉडी बताना देगी भाई अभी लेजेंड लिखने के लिए भी तू थोड़ा सा उम्र हो गया है, वो जो अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने दिया है। और वो भी डेस्टिनेशन देखिए आप, जम्मू कश्मीर में लोग, श्रीनगर में लोग घूमने आते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस टू बी प्लेइंग इन सच अ ब्यूटीफुल वेकेशनल स्पॉट। और जैसा आपने कहा कि मेहनत बिल्कुल पूरी टीम की है, सपोर्ट स्टाफ की है, मैं बीच में अवेलेबल नहीं था ड्यू टू पर्सनल रीजन, बट जिस हिसाब से टीम खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, बट सेम टाइम यू नो हम लोग चाहेंगे कि जैसे सारे मैचेस हम खेले उसी हिसाब से ट्रीट करें, ना कि ऐसा अलग कुछ ट्रीट करें कि फाइनल है और कुछ अलग नहीं करना है, जैसा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वही खेलना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये भी कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा इरफान को कि कल जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी गेंदबाज लाइक आखिरी ओवर डाली, तो मुझे भी लग रहा था कि इन्हीं की टीम आए, ताकि दोनों टीम में अगर अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी रहे तो पब्लिक को भी ज़्यादा मज़ा आता है खेलने। खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये बड़े हो रहे, तो ये बड़े खुश है कि फाइनल में हम आए, तो ये इनकी जो खुशी है ना, अब कल देखेंगे कल क्या होता है, क्योंकि हमारी थोड़ी मुश्किलात रही है, काफी लड़के हमारी टीम से थोड़ी इंजरी के चलते या पर्सनल रीजन के चलते थोड़े टीम से चले गए, तो हमारी टीम में काफी लड़के जो हमने फर्स्ट 11 चूज की थी उसमें से नहीं है, तो उस वजह से काफी लड़के खुश है, लेकिन कल मजा आएगा मैच में। तो देखिए इन्होंने बोला कि सूत्रों के हिसाब से, तो ये जो सूत्रों रहते हैं ये कभी किसी को पता नहीं चलता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं जो आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद हम लोग मिले तो जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू यू नो मीट योर कलीग्स विद हुम यू हैव प्लेड, और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। सर आपसे एक सवाल है, जिस तरीके देखिए लास्ट ईयर जब हम जम्मू आए थे तो इतना प्यार मिला था वहाँ जम्मू में, कुछ प्लेयर्स तो वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। मुझे याद है केविन पीटरसन ने कहा था कि क्या हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते या हम श्रीनगर नहीं जा सकते खेलने के लिए, तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन पूरा साल भर हम लोगों ने इसकी प्रोसेस पर काम किया, और जैसा विवेक जी ने बताया एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सपोर्ट मिला और इतनी अच्छी तरह से हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर काम किया गया, किसी भी प्लेयर को माइंड में प्रेशर नहीं था कि वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पहले सेंसिटिव एनवायरनमेंट था, तो ये चैलेंज की तरह से नहीं, मुझे लगता है कि जो सोचा था
उससे बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ आ पाए। हाँ, ये जरूर है कि फुटबॉल ग्राउंड को क्रिकेट के मैदान में बदलना ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जो 4 महीने से हम लोग के पिछले यहाँ पर बना रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, कोई चैलेंज की तरह से नहीं देखा हमने और पूरा